हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव, आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जहाँ तक हमने पढ़ा दिया है अभी, वहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन हो पूछना चाह रहा हो तो वो क्वेश्चन अभी शुरुआत में कर सकता है। तो हमने उस दिन कहाँ तक पढ़ लिया था? स्टमक तक पढ़ लिया था, ठीक। अब जो है भोजन स्टमक से कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। लेकिन छोटी आंत में भोजन पहुंचने से पहले वह किस रास्ते से गुजरता है? तो वह गुजरता है, देखो, ये कुछ ऐसा बना रहता है ना, फिर यहाँ पे ये बड़ी आंत हो गई है ना, तो ये क्या कहलाता है? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहलाती। तो ये हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती क्या है, इसको क्यों बोलते हैं, तो और वहाँ पे कौन कौन सी और भी डक्ट जो रहती हैं जुड़ती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो अपना भोजन था, स्टमक में क्या बना था? भोजन काइम बना था, एसिडिक काइम बना था। तो वह बहुत ज्यादा क्या था? एसिडिक था। लेकिन अब जो छोटी आंत में पहुंच रहा है भोजन, तो वह कैसा पहुंच रहा है? तो उसमें कई सारे पित्त रस मिलेंगे और अग्नाशयी रस मिलेगा। तो ये निकलते कहाँ से? पेंक्रियास से अग्नाशयी रस आएगा, बाइल से पित्त से अपना आएगा, बाइल जूस आएगा, लीवर से आएगा कुछ, है ना। तो ये सब देखिए, तो यहाँ पे चलो अपन, तो ये यहाँ पे हमने कल स्टमक तक पढ़ लिया था। अब आज समझना कि देखो, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पे उतरता है, सॉरी, छोटी आंत के पहले यानी स्टमक, ये है अपना क्या, सपोज करो कि ये स्टमक है, ठीक। ये ऐसा स्टमक जे शेप में था, यहाँ पे क्या था, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर थे ना, ठीक। ये यहाँ पे पाइलोरिक इंस्फिंक्टर था ऐसा, ये पाइलोरिक इंस्फिंक्टर था। ये क्या है? पाइलोरिक एसपी HINCTER। अब देखो ये क्या है, स्टमक है। अगर स्टमक तक भोजन था तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर स्टमक के नीचे भोजन आया तो वह कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं कि फ्लूइड, यानी कि बाय सर्जरी या बाय इंजेक्शन के थ्रू उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, ठीक। तो अब देखना कि स्टमक के बाद क्या होता है, कि स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है, मैं इसको थोड़ा एक, लीवर, ठीक। तो ये रहा अपना लीवर, ठीक। ये अपना लीवर होता है, ये और यहाँ पे होता है अपना गॉल ब्लैडर,
ये गॉल ब्लैडर, और जो अपना लीवर होता है तो ये किससे, यानी कि एक फेनुलम लिगामेंट होती है उससे ये डिवाइड होता है, ठीक। ये तो ये क्या हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ठीक। ये क्या हुआ, ये लेफ्ट लोब हुआ और ये राइट लोब, GST, राइट लोब, ठीक। अब समझना, देखो अब क्या होगा कि यहां से एक डक्ट निकलेगी, यहां से एक डक्ट निकलती है लेफ्ट से, और एक निकलती है कहां से, राइट से, एक एक निकली, ये क्या हुई, इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है राइट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट मिलकर के क्या बना दी, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक। ये क्या बना दी, ये क्या बन गया, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक। और ये जो बाइल है, पित्ताशय है, ठीक, गॉल ब्लैडर है, तो यहां से भी एक निकलता है क्या, ये, जी। तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया, अब क्या, ये इस सबसे पहले, एक मिनट, क्या था, अच्छा है, ये राइट हिपैटिक डक्ट और ये ठीक, मैं इसको इससे लिखे दे रहा हूं, है ना। ये क्या हुई, ये सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर के क्या बना लेती है, तो ये बना लेती है कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या कहला रही है अब अपनी, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, यहां तक समझ में आया। देखो अब ये क्या हुआ, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक। अब यहां से क्या होता है कि ये पेनक्रियाज होती है, ठीक, ये पेनक्रियाज वही मिटाना पड़ जाता है यार। जी तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है ये, इसी को डक्ट ऑफ क्या बोला जाता है, तो इसी को डक्ट ऑफ वीरसंग बोला जाता है, डक्ट ऑफ वीरसंग, ठीक। और ये क्या कहलाती है, एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट,
एसएससी पेन क्रियाटिक डक, और इसी को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस भी बोला जाता है, नहीं सॉरी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोला जाता है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ रिविनिस तो उस पे बोला गया था ना, कल हम स्टमक पे पढ़ रहे थे वहां पे। ठीक, तो यहां तक ये क्लियर हुआ। अब देखो ये मैं इसको एक मोटा किए दे रहा हूँ। ठीक, अब यहां से चला क्या, ये कॉमन बाइल डक्ट आ रहा था। अब यहाँ पे मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट मिलके क्या बना लेती हैं, तो ये बना लेंगी कॉमन बाइल डक्ट प्लस, या इसको हम बोल दें क्या, दोनों के लिखना पड़ेगा यार ना, प्लस एन मेन पेनक्रियाटिक डक्ट प्लस एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, ये मिलकर के क्या बना लेती हैं, तो ये बना लेती हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पेन क्रियाटिक डक्ट। ठीक, यहां तक समझ में आया। तो देखो ये क्या कहलाता है, तो जो ये है ये क्या कहलाता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहलाता है। ठीक, अब ये वहां से निकला और कहां जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। ठीक, छोटी आंत में जाएगा, तो सी शेप्ड में जाता है ना ये, तो यहां पे ये फूला हुआ भाग, तो ये जो फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, और यहां पे भी ये क्या होता है, तो ये कहलाता है इंस्ट्रिंक्टर ऑफ ओड्डाई, SPHINCTER, इंस्ट्रिंक्टर ऑफ ओड्डाई। अब यहां से ये क्या कहलाता है, तो ये जो फूला हुआ भाग है ये कहलाता है हिपोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, दिख रहा है ना। अब यहां से देखो अपना क्या हो गया, कि यहां से अपना बड़ी, ये बड़ी आंत हो गई है ना, तो ये उतरा, ये आ जाता है कहां, ये अब ये सकला होते ही जाएगा, और ये ऐसे सकला होते हुए चला जाता है। ठीक, और ये छोटी आंत है, तो ऐसे ही, तो ये छोटी आंत बनते जाती है। ठीक, तो यहां पे ये पूरा समझ में आ गया। देखो मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, कि जो स्टमक है, स्टमक पे अपना भोजन बना,
क्या बनता है, तो वहां पे एसिडिक काइम बना। अब एसिडिक काइम से वो क्या, जो पाइलोरिक इन्सफिंक्टर है, पाइलोरिक इन्सफिंक्टर की सहायता से वो क्या हुआ, जब पाइलोरिक इन्सफिंक्टर खुलता है तो भोजन नीचे गिरा। अब भोजन नीचे गिरा तो क्या होता है कि यहाँ पे लीवर होता है, ठीक। लीवर में ही क्या रहता है, गॉल ब्लैडर रहता है, ठीक, पित्ताशय, जिसमें पित्तरस संचित रहता है, ठीक। अब जो ये लीवर होता है, इसके दो लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब और दूसरा राइट लोब, ठीक। तो और जो ये होता है लिंगुअल फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है। अब जो ये लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट निकलती है और राइट लोब से राइट हिपेटिक डक्ट निकलती है, ठीक। और जो पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय की निकलती है एक, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। फिर जब ये तीनों मिल जाती हैं, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, अगर देखो जब लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट हिपेटिक डक्ट मिल जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट। और जब कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिल जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अब जब ये कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से जो ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से निकलती है एक मैन पेनक्रियाटिक डक्ट और दूसरी निकलती है एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसको जो मैन पेनक्रियाटिक डक्ट है उसको डक्ट ऑफ विर्शिंग बोला जाता है, और जो एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है उसको डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोला जाता है। अब जब कॉमन बाइल डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, जब ये तीनों मिल जाएंगी तो क्या बन जाता है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। अब हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट से क्या होता है कि, यानी कि ये जब जो ये रस, आंती रस, अग्नाशयी रस, पित्त रस, ये सब चीजें मिले, अब मिलके भोजन नीचे उतरता है तो कहाँ पे, एम्प्यूला। एम्प्यूला जो फूला हुआ भाग वो रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। फिर उसके नीचे एक इन्सफिंक्टर होता है, इन्सफिंक्टर ऑफ ओड्डाई। तो इन्सफिंक्टर ऑफ ओड्डाई जैसे खुले तो उसके बाद फिर कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है भोजन, ठीक। तो यहां तक आ रहा है भोजन, ये समझ में आ गया कैसे आ रहा है, यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर चलते हैं, ठीक। छोटी आंत, ठीक। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें, तो कितनी होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 3.2 मीटर होती है, ठीक। ये क्या हो गया, और ये अपेंडिक्स होता है, ठीक। तो देखो ये यहां से ये आया और क्या होते जाता है, पतली होते जाती है, ठीक। और यहाँ पे आई और ये कौन सा ले लेती है, जे शेप्ड ले लेती है, ठीक। अब यहां से ये कॉइल, यानी कॉइल्ड होना स्टार्ट कर देती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होने लगती है, वो हाईली कॉइल्ड होने लगती है।
और ये बड़ी आंत में जाके मिल जाती है। ठीक, तो देखना ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट कहलाता है अपना डुओडेनम, डुओडेनम। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है ग्रहणी। और ये देखो ये ऐसे मुड़ जाती है, इसको बोला जाता है जेजुनम, जेजुनम जो कि क्या कहलाती है, इसको मध्यांत्र बोला जाता है। और ये हाईली क्वाइल्ड क्या कहलाती है, ये कहलाती है क्या, इलियम। ठीक, ये क्या कहलाती है, शेषांत्र। तो जो डोडेनम होती है वह कैसी होती है, सी शेप्ड में। ये कैसी होती है, तो ये साइड स्लाइटली कॉइल्ड होती है। मतलब हल्की कॉइल्ड होती है। और जो इलियम होती है कैसी होती है, तो हाईली कॉइल्ड होती है। एक हाईली कॉइल्ड होती है। यहां तक समझ में आया। देखो अब जो ये डुओडेनम है, जेजुनम है और इलियम, इनके ऊपर क्या होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स लगी हुई होती है, मतलब आंती ग्रंथिया। ठीक, आंतरिक ग्रंथिया होती हैं, तो उसको समझना। उनके ऊपर ऐसे लगी रहती है क्या, आंतरी रस लग आंतरी ग्रंथियां लगी रहती है, जो क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सक्कस इंट्रिकस बोला जाता है। देखो अब अगर कोई लेट ज्वाइन करेगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बना रहे हैं। ठीक, थोड़ी आज टाइम लगेगा क्योंकि डायग्राम बनाने में, क्योंकि आज थोड़ी बहुत छोटे छोटे मतलब माइनर वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें आप लोग सीखने को मिल रही है, आप लोग कि कैसे कैसे डायग्राम बन रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। और ये बताना पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, ये क्या करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सक्कस इंट्रिकस बोला जाता है, उन्हीं को सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। ठीक, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से भी हो तो बताना, क्योंकि क्या है, इंग्लिश मीडियम की मेरे पास पूरी नोट्स पड़ी हुई है, तो उसको पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। ठीक, उस पे डायग्राम तो और अच्छे से मैंने, क्योंकि कॉपी कॉपी पे बना है तो डायग्राम और अच्छे से, क्या है थोड़ी ये पैड पैड में बनाना पड़ता है, तो इस पे थोड़ी क्या होता है। ये है ना, अब ये क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक,
ये क्या करती हैं, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सकस इंट्रिकस बोला जाता है, सकस इंट्रिकस। ठीक, अब जो सकस इंट्रिकस है, ठीक, सकस इंट्रिकस है, तो सकस इंट्रिकस में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, तो इस पे आते हैं पहला आता है एमाइलोलाइटिक एंजाइम, एमाइलो लाइटिक एंजाइम, दूसरा आता है क्या, इस पे आता है प्रोटीरियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीरियो लाइटिक एंजाइम, और तीसरा आता है लिपोलाइटिक एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम। तो यह रहा छोटी आंत का। अब जो छोटी आंत है, तो इसमें जो फूड है इंटेस्टाइनल फूड, इसमें क्या होता है, आंतरी रस्ती जो ये निकलते हैं, रसों का सिक्रेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें पूर्ण पाचन होता है उसका, और जो फूड रहता है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइम बन जाता है। ठीक, अब जो काइम भोजन है वह कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत को समझते हैं, और सबसे पहले इसके बारे में और फंक्शन देख लेते हैं कि जो छोटी आंत होती है या आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 3.2 मीटर होती है। ठीक, यह एक तरह अमाशय से और दूसरी तरह बड़ी आंत से जुड़ी रहती है, और इसके तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम को क्या बोलते हैं, ग्रहणी, जेजुनम को मध्यांत, इलियम को शेषांत। और जो इलियम होती है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होती है, कौन, इलियम। और इसमें छोटी आंत में भोजन के पाचन के अतिरिक्त अवशोषण भी होता है, जैसे हमें कुछ जो इसके अंतर्गत इसके अंदर विलाई होती है, जो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, अवशोषण का काम करती है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत क्या है देखना, एक के चलते पूरा एक डायग्राम ही वो हो जाता है। ठीक, तो ये भाग क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, शीकम, इसी को उंडूक, इसको क्या बोलते हैं, सीकम। यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, और ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, अनुप्रस्थ खंड, सॉरी आरोही, आरोही खंड, आरोही खंड, और ये कहलाता है क्या, ट्रांस ट्रांसवर्स कोलोन, अनुप्रस्थ खंड, ये क्या है, अनुप्रस्थ खंड, और ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है क्या,
डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, जिसको अवरोही खंड बोला जाता है, अवरोही खंड, और ये कहलाता है क्या? शिग्मोइड कोलोन, शिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड खंड, सिग्मोइड खंड, ठीक। आप लोग को दिख रहा है ठीक, ये सिग्मोइड खंड। अब देखो, ये छोटी आंत, छोटी आंत से जो भोजन आता है तो वह किस पे आता है? तो सबसे पहले शीकम पे आता है। शीकम पे क्या होते हैं कि कई प्रकार के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे इशीरिया कोलाई होता है, वह क्या करता है कि जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है ठीक, या जो फूड है, तो उसको क्या करता है वहां पे, यानी कि छोटी आंत पे तो पूर्ण पाचन हो जाता है ठीक। तो ये जो यानी सॉलिड वेस्ट, सॉलिड फूड रहता है, उसको क्या करता है, उससे एब्जॉर्ब करता है, किसका? जल का एब्जॉर्प्शन करता है, जल का अवशोषण करता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो फीकल मैटर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब यहां से फीकल मैटर कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। तो जो असेंडिंग कोलोन होता है, कोलोन क्या होता है, तो पाथ ऑफ फीकल मैटर होता है, ये पाथ ऑफ फीकल मैटर, मतलब कि जो फीकल मैटर होता है उसका रास्ता होता है कौन? कोलोन। अब कोलोन से कहाँ? ट्रांसवर्स कोलोन, फिर वहां से डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन से सिग्मोइड कोलोन, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है? रेक्टम। यहाँ पे रहता है क्या? ओ रेक्टम, जिसको क्या बोलते हैं? मलाशय, ठीक। तो मलाशय में क्या होता है, यानी टेम्परेरी, ये क्या करता है, जो फीकल मैटर है उसको स्टोरेज काम करता है ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या रहता है कि इंस्फिंक्टर होते हैं, इस इंस्फिंक्टर का क्या नाम होता है? तो एनल इंस्फिंक्टर मसल्स ठीक, गुद संकोचक पेशिया, गुद संकोचक पेशिया, तो यहां से क्या हुआ कि यहां से जो फिकल मैटर है यहां से ऊपर गया, यहां से फिर ऐसे आया, यहां से ऐसे आता है। अब क्या होता है, कई कंडीशन में देखा गया है कि आई आया कि यहाँ पे रेक्टम के द्वारा, रेक्टम के पास, और यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉटी रहती है आया कि यहाँ पे पूरी, यानी कि इसकी जो लाइनिंग है उस पे स्टोरेज होने लगती है ठीक, यानी जिसको प्रॉपर नहीं हो पाती है ठीक। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे आया कि स्टोर होने लगती है। अब जब स्टोर होने लगती है, तो अगर किसी दीवाल में बार बार देखोगे, दीवाल में अगर कुछ चीजें लग रही हैं, तो क्या होगा कि वो खराब होगी, है ना। फिर क्या होता है, उनमें रेसेस पड़ने लगते हैं, रेसेस पड़ने के साथ साथ क्या होता है, जब रेसेस पड़ने लगते हैं, फिर उसके बाद वहां पे उनको यानी कि बाहर निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ठीक। तो फिर क्या होता है कि जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, और नर्व सेल्स रहती हैं, तो उनमें क्या होते हैं, उनमें भी रेसेस पड़ने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से रेसेस पड़ने लगते हैं और फिर अल्सर हो जाता है। और जो ये नर्व सेल्स हैं, तो उनके द्वारा क्या होने लगता है कि जब पॉटी होती है तो उसमें भी ब्लड निकलता है, तो वो क्या बोलते हैं, उसको पाइल बोला जाता है ठीक। तो पाइल हो जाता है, मतलब बवासीर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब, और लेकिन आप लोग खाने में बर्ताव नहीं करते हैं, आपको पाइल हो गई है, फिर भी आप जो तेल वाले पदार्थ हैं, चाउमीन, मैगी, ये सब चीजें खाने लगते हैं ठीक, उसके बाद भी वो स्टोरेज होने और आया के बनने लगता है, यहाँ पे आया के और स्टोरेज होने लगता है। फिर जब और होने लगता है, तो क्या बन जाता है, हेमोरॉइड बन जाता है ठीक। फिर भी आप नहीं मान रहे हो, तो लास्ट स्टेज में क्या, कहाँ पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाता है फिस्टूला पे, फिस्टूला पे,
जिसको क्या बोलते हैं अपन, भकंदर। अगर भकंदर हुआ तो जिंदगी नरक बन जाती है। ठीक, जो इरफान खान है ना, इरफान को यही कोलोन कैंसर हुआ था। ठीक, तो अगर कोलोन कैंसर हुआ, देखो अगर जैसे अगर कुछ अगर दूसरी जगह कैंसर होते हैं तो उस बॉडी के पार्ट्स को तो निकाल दिया जाता है, तो आदमी कुछ दिन तक जिंदा रहता है। लेकिन अगर कोलोन कैंसर हो गया तो कोलोन कैंसर में कोलोन को निकालना पड़ेगा कट करके, तो जो पॉटी है यानी कि वहां पे एक थैला लगा देंगे, वो कुछ दिनों तक निकलेगी। अब कितने दिन तक होगा? हाँ, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा जीवन नहीं बचता है। फिर उसके बाद उसकी सीधे डेथ ही हो जाती है। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे समझ में आया कि जो बड़ी आंत होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक, जो सीकम होता है, यहाँ पे जो भोजन आता है वह क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो जल को अवशोषण कर लिया जाता है, और जो फीकल मैटर होता है उसको जाने दिया जाता है। जो फीकल मैटर होता है वो कोलोन के द्वारा जाता है और फिर रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। जब तक हमारी पेशियां यानी कि जो एनल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जब तक हम यानी कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, जब तक आदेश नहीं करता है तब तक वो पेशियां नहीं खुलती हैं, और खुलती हैं तो सीधे जो एनएस है, एनएस है, तो एनएस के थ्रू क्या होता है कि जो मलाशय है वो बाहर, जो मल है वो बाहर निकल जाता है। तो ये रहा डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को। अब पढ़ेंगे हम क्या, ये तो रहे देखो सबसे पहले इसके बारे में भी समझ लीजिए कि आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम को क्या बोलते हैं? उंडूक। कोलोन को बोला जाता है क्या? वेदांत। रेक्टम को बोला जाता है मलाशय। ठीक, सीकम, उंडूक, या बड़ी आंत, शुरुआती बड़ी आंत का शुरुआती भाग होता है, इससे छोटी आंत जुड़ी रहती है, और इसके छोर पर अंगुली नुमा संरचना की तरह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स स्थित होता है। ये क्या है? अपेंडिक्स होता है। ठीक, जो बढ़ जाता है तो इसको फिर सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता है, अवशेषी अंग इसको माना जाता है, अपेंडिक्स को। ठीक, और मनुष्य में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, देखो अवशेषी अंग के वेस्टिजियल ऑर्गन की भांति रहता है। ठीक, और अगर जब अपेंडिक्स में इंफ्लेमेशन हो जाए, उसमें सूजन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, आइटिस। मैंने जब टॉन्सिल का बता रहा था तो मैंने बताया था कि जिसमें भी आइटिस वर्ड आए तो समझ लेना उसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन है, मतलब उसमें सूजन है। ठीक, कोलोन, कोलोन यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ पर अनपचे भोजन से पानी का अवशोषण होता है, और यहाँ पर कुछ सूक्ष्म सहजीवी, सूक्ष्म जीवाणु यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे B1, B2, B5 और B12 का भी निर्माण करते हैं। तो कहाँ पे? कोलोन पे। और अगला आता है रेक्टम, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। यह गुदा एनएच के द्वारा बाहर खुलता है, और रेक्टम में अनपचे भोजन जो मल फीकल मैटर का रूप ले लेता है तो कुछ समय के लिए वहां पे संचित रहता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं कहां पे? डाइजेस्टिव ग्लैंड से, पाचन ग्रंथिया। तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब कि अभी तो हम लोग उसके फिजियोलॉजी पे पढ़ रहे थे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब पाचन ग्रंथिया की बात करें तो जो पाचन में करने में उसको सहायक करती हैं। ठीक, तो जैसे देखो हमने बताया था कि जो डाइजेशन होता है वह 2 टाइप से होता है, कौन कौन से? मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन मतलब यांत्रिक सहारा, तो यांत्रिक सहारा मतलब जो दांत और जीभ जीभ की मदद से हो जाता है। ठीक, बक्कल कैविटी में, फिर उसी में सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी, और सलाइवरी ग्लैंड्स में जैसे और आ जाएंगे पाचन ग्रंथिया में, लीवर आ जाएगा, फिर पेंक्रियाज आएगा जिसके द्वारा अपन एंजाइम्स और ये जो रस वगैरह निकलते हैं तो ये पाचन ग्रंथिया में आ जाएंगे। ठीक, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये सब चीजें हमने बताया था ना, तो क्या क्या बताए थे? तो पाचन ग्रंथिया में हमने सबसे पहले पढ़ेंगे सेलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, लीवर, पेनक्रियाज और बाइल पढ़ेंगे, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आंत्रीरस,
इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक, तो जो ये पाचन होता है ये इन ग्रंथियों की सहायता की, ये क्या करते हैं, पाचन करने में सहायता करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन चलते हैं कहाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स पे। सलाइवरी ग्लैंड्स को मैंने एक बार बता दिया है, लेकिन चलो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी अपनी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, तो देखो ये क्या हुआ, ओ ये अपन क्या हो गई, ये अपर जॉ और ये हो गया लोअर जॉ। क्या है, ये अपर जॉ और ये है क्या लोअर जॉ, लोअर जॉ। ठीक, अब और यहां पे अपना रहता है क्या, कान। तो कान के पास ही एक ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, अब उसके जस्ट ये जो अपर जॉ और लोअर जॉ के जंक्शन है, यहाँ पे एक ग्लैंड रहती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, सबमैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ग्लैंड। लास्ट में मैं आज आप लोगों को 3D में आपको डाइजेशन दिखाऊंगा कि 3D में डाइजेशन कैसे होता है, पूरी प्रोसेस को मैं दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक, तो लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहना। ठीक, और यहाँ पे क्या रहती है, जीव आती है। ठीक, तो जीभ के पास ही एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं, लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड। ठीक, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है ये देखो साइज से ही स्पष्ट हो रहा, सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे लार्जेस्ट है, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी है ये स्मॉल ग्लैंड, और ये यानी मीडियम साइज की है। ठीक, अब ये कैसी है, एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इनका आ, आ, लार है वह किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा निकलेगा, किसी ना किसी नलिका के द्वारा, डक्ट के द्वारा निकलेगा। ठीक, तो जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक, ये और इससे ये। ठीक, तो इसको, इसकी ये वाली डक्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोल जाता है ये स्टेंशन डक्ट कहलाती है, STAN, स्टेंशन डक्ट कहलाती है। ठीक, और इसको बोलते हैं क्या, ये कहलाती है वाटसन डक्ट, WHA वाटसन डक्ट, और जो ये सबसे लास्ट में रहती है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है डक्ट ऑफ रिविनिश, रिविनश। ठीक, सबसे लंबी कौन सी होती है, तो सबसे होती है लंबी वाटसन डक्ट, लॉन्गेस्ट, और सबसे छोटी कौन सी होती है, तो डक्ट ऑफ रिविनस। ठीक, अब बात करें कि किस ग्रंथि से कितना रस निकलता है, कितना ग्लैंड वो निकलता है। ठीक, तो स्लाइवा निकलता है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है इससे निकलता है कितना, 25%। जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर है इससे निकलता है 70%। हाँ,
और यहां से लिंगुअल ग्लैंड से निकलता है कितना, 5%। समझ में आया? अब और क्या बच रहा है यहाँ पे? हाँ देखो, ये जो एक्सोक्राइन है, डक्ट है, तो कहीं ना कहीं इनको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स है, इसको कौन सा क्रेनियल नर्व करता है? तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व। तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व किसको कंट्रोल करता है? तो पैरोटिड ग्लैंड्स को, पैरोटिड ग्लैंड को। और सेवंथ, सेवंथ क्रेनियल नर्व किसको कंट्रोल करता है? तो सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। ठीक, यहां तक समझ में आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड समझ में आ गया ना? तो देखो, यह मनुष्य में तीन जोड़ी की संख्या में पाई जाती है। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर, या उसी को सब मैक्सिलरी और दूसरा नाम है। ठीक, और इसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सब लिंगुअल होती है। पैरोटिड ग्रंथि में वायरस के द्वारा संक्रमण होने से गलसुआ या मम्स नामक बीमारी हो जाती है। मुंह ऐसे फूल जाता है ना, क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यहीं पे होती है, कान के पास ही होती है, तो ये ऐसा मुंह पूरा फूल जाता है। और अगर खरगोश में बात की जाए, तो खरगोश में चार जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और इन लार ग्रंथियों से क्या होता है? तो लार सलाइवा निकलती है, सलाइवा का श्रावण होता है। ठीक, और यह हल्की कैसी होती है? अम्लीय होती है, जिसका पीएच कितना होता है? 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक होती है। प्रतिदिन लार का स्राव कितना होता है? तो 1.5 लीटर के समथिंग होता है, 1000 से 1500 ml तक होता है। अब इसके अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें म्यूसिन प्रोटीन होता है, और एंजाइम के रूप में टाइलिन होता है, एमाइलेज होता है, और सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन और कार्बोनिक आयन, और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन भी पाए जाते हैं। ठीक, जो टाइलिन होता है यह क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, और जो म्यूसिन प्रोटीन होती है यह भोजन को चिपचिपा बनाता है। जो कोई चिपचिपा बनता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, भोजन भोजन को निगलने में आसानी होती है, तो वो कौन बनाता है? म्यूसिन प्रोटीन की वजह से ही होता है। ठीक, अब बात करेंगे हम किसकी? लीवर की, यकृत की। ठीक, तो जो यकृत होता है, नीचे हुआ यकृत। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, गॉल ब्लैडर बना दिया जाए। ठीक, ये क्या हुई? गॉल ब्लैडर है। ठीक, अब ये क्या है? ये लेफ्ट लोब कहलाता है। ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। ठीक, यहां से एक निकलती है हिपेटिक डक्ट, और यहां से एक हिपेटिक डक्ट निकलती है। ठीक,
ये क्या कहलाती है? लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, और ये क्या कहलाती है? राइट हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, और ये क्या है? तो फैल्सिफेरम लिगामेंट है ये, फैल्सिफेरम लिगामेंट, ठीक। अब यहां से एक बाइल निकलती है, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। क्या है ये? सिस्टिक डक्ट। अब यहां से स्टमक से आ रही थी ना, एक स्टमक से आ रही थी, और ये हो गया क्या? तो ये क्या कहलाता है? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक। और यहां से निकल रहा था क्या? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये निकल के कहां पे जा रहे थे? ये क्या है? तो ये क्या कहलाता था? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। व्हाइट में समझ में नहीं आ रहा। चलो, अब क्या होता है कि इसमें इसकी यूनिट क्या कहलाती है? तो ही क्या कहलाती है? हिपेटोसाइट कहलाती है, ठीक। तो इसमें ये हिपेटोसाइट पाई जाती है यकृत में, ठीक, हिपेटोसाइट पाई जाती है, जिसका आउटर कवरिंग क्या कहलाता है? गिल्सन कैप्सूल्स कहलाता है, ठीक। ये क्या है? हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट। उसके अतिरिक्त इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? कुछ कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं, जो क्या क्या होती हैं? फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। जो डेड आरबीसी को मारने का काम करती हैं, ठीक। तो ये क्या है? कुफर सेल्स, FER, कुफर सेल्स हैं, ठीक, कुफर कोशिकाएं। तो समझ में आ गया? तो यकृत होता है, वह दो भागों में डिवाइड होता है, लेफ्ट लोब और राइट लोब। जो लेफ्ट लोब होता है यह 2/5 पार्ट कहलाता है, और जो राइट लोब होता है ये 1/3 पार्ट कहलाता है। मतलब कि अगर इसको हम 5 भागों में बांटा जाए, तो 2 भाग जो लेफ्ट लोब के बराबर होंगे और 3 भाग जो होगा वो राइट लोब के बराबर होगा, ठीक। अगर इसके हम स्टडी को बोले तो क्या कहलाती है? हिपेटोलॉजी कहलाती है। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। और ये शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है, ठीक। इसका वेट कितना होता है? तो 1.2 से लेकर के 1.5 ग्राम तक का होता है, ये सॉरी किलोग्राम तक का होता है। देखो इसके बारे में लिखा होगा, हाँ। स्टडी क्या कहलाती है? हिपेटोलॉजी कहलाती है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.2 से लेकर के 1.5 kg तक होता है, और यह एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होती है, ठीक। यहाँ पे जो 7th और 8th रिब होती है ना, उसके पास पे ये स्थित होती है। सेकेंड लोब, इसमें 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। जो लेफ्ट लोब होता है वह 2/5 भाग कहलाता है, और जो राइट होता है वह 3/5 भाग कहलाता है, ठीक। और इसमें नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला रस जमा होता है, जो पित्ताशय कहलाता है, गॉल ब्लैडर। ये क्या कहलाता है? ये क्या है? तो ये है गॉल ब्लैडर,
ब्लैडर, ठीक, पित्ताशय जिसमें पित्तरस संचित रहता है, ठीक। और कुछ जैसे सामान्य स्तनधारी होते हैं जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है, तो कौन कौन से, जैसे चूहा हो गया, घोड़ा हो गया, व्हेल हो गया, गधा हो गया और जेबरा, इनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है। और जो बाइल जूस होता है तो उसका सिक्रेशन भी यहीं से होता है, ठीक। और इसमें एक अन्य प्रकार की कोशिका जिसे कुफर सेल्स कहा जाता है, जो कि फैगोसाइटिक नेचर की होती है, जो क्या करती है, जो सूक्ष्म जीवाणु होती है उनको पचाने का काम करती है, ठीक। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो ये सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचयी क्रियाएं हैं उनको काम करने का काम करती है। तो जैसे पहला क्या है, ग्लूकोजिनेसिस। तो ग्लूकोजिनेसिस क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। मतलब कि क्या है कि जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो उसको ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके संचित कर देती है। जब हम व्रत में रहते हैं या बहुत देर से भोजन करते हैं तो उसको एनर्जी के रूप में ले लेते हैं, किसको, ग्लाइकोजन में, ठीक। ये क्या कहलाता है, ग्लूकोजिनेसिस कहलाता है। अगला है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कहलाता है, तो ग्लाइकोजन इन ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। जब आप उपवास की अवस्था में हैं, मतलब जब आप व्रत रहते हैं, या बहुत देर तक, कई स्त्रियां होती हैं कि बहुत देर तक भोजन नहीं करती हैं, ठीक, सुबह से काम धाम में लगी हैं, टिफिन बना रही हैं, ये कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन भोजन नहीं करती हैं, तो क्या करती हैं कि जो ग्लाइकोजन होता है वह क्या करता है, जो संचित भोजन था, ग्लाइकोजन था, उसको हमारा जो यकृत होता है वह किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में तोड़ता है, और जिसके जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो क्या कहलाता है, कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड अमीनो एसिड इंटू ग्लूकोज। देखो क्या हुआ, अब जैसे फिल्मों में आप लोग देखते होंगे कि कई गुंडे किसी को गिरफ्तार क्या कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, ठीक। तो किडनैप कर लिए, 8 दिन तक मारे कूटे, उसको भोजन नहीं दिए, तो अपना क्या रहा, जो ग्लाइकोजन स्टोर रहा उससे अपने को भोजन मिली। फिर अब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया तो क्या करेगा, तो उसके बाद जो फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, मतलब प्रोटीन है, फैटी एसिड है, तो उसको ग्लूकोनियोजिनेसिस के द्वारा क्या करता है, हमारा यकृत का क्या करता है कि अब जो प्रोटीन है, फैटी एसिड है, उनको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, और उससे हमें ऊर्जा देता है, ठीक। अब ग्लूकोनियोजिनेसिस, अब क्या हुआ कि आप लोग 2 दिन तक पड़े रह गए मारे कूटे, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब तो फैटी एसिड भी खत्म हो गया, अमीनो एसिड भी खत्म हो गया, ग्लाइकोजन जो संचित भोजन था वो भी खत्म हो गया। अब क्या करेगा, तो मारे कूटे थे तो जिससे क्या होगा कि आपके शरीरों में घाव बन गए और नेक्रोसिस होना स्टार्ट, सड़न सी स्टार्ट हो जाती है आपके बॉडी में, ठीक। और आपका शरीर तो कुछ काम करना बंद कर देता है, ना तो आप हाथ उठा पाते, ना कुछ कर, क्योंकि पूरी एनर्जी तो खत्म हो गई। तो मरते मरते दम तक भी जो यकृत होता है वह क्या करता है कि अब इनकी वजह से क्या है कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े वगैरह पनपने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, ठीक। तो ये क्या करता है कि जो लैक्टिक एसिड को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन क्या होता है फिर ग्लूकोज में, यानी मरते दम तक हमको क्या करता है, मरते मरते यानी थोड़ी सी एनर्जी दे जाता है यकृत, ठीक। तो ये रहा यकृत के कार्य। और क्या करता है, तो सिक्रेशन, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल। तो बाइल का ये सिक्रेशन करता है, सिंथेसिस करता है, और विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। तो जो यकृत होता है बीटा कैरोटीन की वजह से क्या करता है, ये विटामिन ए का संश्लेषण करता है। इसमें लिम्फ का निर्माण भी होता है, भ्रूणावस्था में यह आरबीसी का निर्माण करता है, और भ्रूणावस्था में यह हीमोपोइटिक ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। और क्या काम करता है, तो यह जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। क्या होता है, मतलब इसमें डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होती है, क्या है कि जो विषाक्त पदार्थ हैं तो विषाक्त पदार्थों को ये तोड़ने का काम करता है, और उसको ये खत्म कर देता है। बिहारी जी आप पूछ रहे हैं सर BPSC TRIP 4 में आएगा क्या, यार बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब देखो जो साइंस है तो वहां तो चेंज हो नहीं जाएगी, तो ये बिल्कुल आपके, अगर आप CTET, MPTET, SuperTET कहीं की भी करो, तो यानी कि साइंस तो सबकी एक रहेगी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो सबका एक रहेगा ना, तो सब में यानी कि ये आएगा और सब में पूछा जाएगा। तो ये सबके लिए, जितने भी अगर साइंस से रिलेटेड एग्जाम है तो ये सबके लिए है दोस्त, ठीक।
तो यह मृत आरबीसी के, और अगला क्या है कि यह ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो क्या होता है, डिएमिनेशन की क्रिया होती है। देखो डिएमिनेशन, डिएमिनेशन क्या होता है कि जो NH2 रहता है, ठीक, NH2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये NH3 में कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। ठीक, तो अमोनिया क्या होता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक, मतलब कि बहुत ज्यादा ये जहरीला होता है। तो ये क्या करता है, NH3 में क्या होती है, ऑर्निथिन साइकिल होती है। ठीक, ऑर्निथिन यानी यकृत में ही ऑर्निथिन साइकिल होती है, जिसे अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और यूरिया में कन्वर्ट हुआ तो उसके थ्रू फिर क्या होता है, यानी एक्सक्रीशन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये समझ में आया। तो ये मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन को बाइल पिगमेंट में बदल देता है, जो आंत में जाकर उत्सर्जित हो जाता है। और यह यकृत जो होता है आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो कुफर सेल्स होती है ना, ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है, वो क्या करती है, मारने का काम कर देती है। तथा प्लिया स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक, तो ये रहे यकृत के कार। तो यहाँ तक समझ में आया। तो बाइल जूस बचा है अभी, और उसके अलावा बाइल जूस के अलावा पेनक्रियाज बचा है, और फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब अभी 1 घंटे और लग जाएंगे समथिंग। तो आज अब क्लास को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। ठीक, हाँ कल अपन इसको लास्ट कर देंगे। तो अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो कल आप लोग ले आइएगा इससे रिलेटेड, और भी जो क्वेश्चन हो। ठीक, और हाँ ये सभी के लिए उपयोगी रहेगा, जितने भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, सीटेट है। बस क्या रहता है, देखो थ्योरी तो सबकी सेम रहती है, बस क्वेश्चन पूछने का, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का अप्रोच अलग हो जाता है। तो हर एक एग्जाम के उससे दृष्टि से हम क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप पहले, मेरा मेन मोटिव है कि पहले हम थ्योरी को पढ़ लें, जब थ्योरी पढ़ लेंगे तब तो हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक, धन्यवाद।